आज मैं आपको बताऊंगी कि एसेट नोटिफिकेशन 2023 आउट हो चुका है, आपको कब फॉर्म फिलअप करना है, कब एग्जाम होगा, सारी की सारी डिटेल है एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। देखो बेटा, सबसे पहले है जो फॉर्म आउट हुए हैं वो 30 अक्टूबर को फॉर्म निकल चुके हैं, कल ही फॉर्म निकले हैं, और 10 नवम्बर है ये लास्ट डेट है बेटा फॉर्म फिलअप करने की। आप लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल भी मत बैठे रहना कि हम 10 नवम्बर, 9 या 8 नवम्बर को फिल करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट डेट पे होता क्या है, प्रोसेसिंग बहुत लेट होती है, जो हमारे पास जो सिस्टम है वो भी बहुत कम चलता है, स्लो चलता है, तो आप फटाफट अभी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब दूसरी बात बेटा, 11 नवंबर और 12 नवंबर, मतलब 11 एंड 12 नवंबर को सिर्फ 2 डेज आपको फॉर्म में, अगर आपको बाय चांस है कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको जस्ट करेक्शन करने के लिए आपको 2 डेज मिलते हैं बेटा, 11 एंड 12 नवंबर। जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम डेट पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी चुकी थी, जो कि अब भी वही है, सेम है, 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर, सैटरडे एंड संडे। 2 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होगा बेटा वो लेवल 3, मतलब पीजीटी के जितने भी कैटेगरी है, जितने भी कैटेगरी आती है पीजीटी एग्जाम्स के अंदर, सभी का जो एग्जाम होगा वो ओनली 2 दिसंबर का होगा, और जो शिफ्ट होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 3:00 to 5:00, समझ गए। अब 3 दिसंबर मतलब 3 दिसंबर को हमारे पास आता है संडे, संडे को जो एग्जाम होगा वो लेवल 2 का, मतलब टीजीटी का जो एग्जाम होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा 10 to 12:30 में। आफ्टर दैट लेवल जो 1 आता है, मतलब पीआरटी के जितने भी बच्चे हैं, पीआरटी है जितने, मतलब जेबीटी वगैरह है, तो इसमें जो आते हैं लेवल 1 में जो एग्जाम होगा वो इवनिंग शिफ्ट में होगा 3 to 5:30, समझ गए। अब देखते हैं हमारे पास है बेटा, इसकी फीस पे और डिस्कस कर लिया जाए, तो देखो फीस होती है जो हमारे पास है एसटैट के लिए, जो पीआरटी की जो फीस होती है, ऐसी जो शेड्यूल कास्ट है एंड जो फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, गवर्नमेंट है थोड़ा सा कंसेशन कर देती है, तो उसके लिए जो पीआरटी के लिए बेटा है आपको एक फॉर्म फिल करना है तो आपको 500 रुपीज देने पे करने पड़ेंगे, एंड टीजीटी को 900 एंड 1200, आपको ये आपको फॉर्म आपके फीस है। लेकिन जो ऑल कैंडिडेट्स है इनको छोड़ के, ऐसी फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को छोड़ के, बाकी सभी के लिए बेटा पीआरटी के लिए आपको देना होगा 1000, और यहाँ पे आपको देना होगा बेटा टीजीटी के लिए है ये 1800, और जो आपके लिए पीजीटी के लिए है बेटा अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी 2400। और जितने भी अगर आप अदर्स स्टेट के लिए, यहाँ पे एक बेनिफिट्स है, अगर आप कोई भी कैंडिडेट है जो अदर स्टेट का भी है, अगर वो भी फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उसके लिए भी सेम यही फीस होगी जो कि हमारे स्टेट के लिए है, जो कि हमारे पास आउटसाइड हरियाणा है। पीआरटी के लिए अगर फॉर्म फिलअप करना हो तो आपको 1000 है, टीजीटी के लिए 1800 है, एंड आफ्टर दैट 2400 है, वो ऑल पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए होगा। ये आपके लिए अगर आपको जस्ट ओनली एक ही एग्जाम देना है, मतलब पीआरटी लेवल का ही एग्जाम देना, तब आपको 1000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को पीआरटी के साथ साथ मुझे टीजीटी का भी एग्जाम देना है तो आपको दोनों पेपर्स के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे बेटा 1800। अगर आप तीनों लेवल के देना चाहते हो, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, तो आपको देने पे करने पड़ेंगे बेटा 2400, समझ गए। ये आपके लिए सेपरेटली नहीं है ये, लेकिन बेसिकली अगर बोथ एग्जाम के लिए 1800 है, यहाँ पे 3 मतलब तीनों लेवल्स के लिए आपको 2400 पे करने पड़ेंगे। वही अगर हम एससी और पीएच के लिए बात करते हैं, मतलब फिजिकल हैंडीकैप करते हैं, तो उसमें आपको तीनों लेवल के लिए 1200 है, 2 लेवल्स के लिए आपको 900 पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास पीआरटी अगर आपको ओनली एक ही लेवल का एग्जाम देना है तो आपको ओनली है बेटा 500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं राइट आप बेटा देखते हैं जो पेपर होता है ना, वो मोस्टली जो पेन जो पेपर होगा वो हमारे पास है बेटा ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर बेस्ड जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा बेटा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। जैसे नेट का एग्जाम है, वो गेट का एग्जाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पे है जो हमारे पास जो एसटेट पेपर है वो कैसा होगा बेटा ऑफलाइन बेस होगा, समझ गए, पेन पेपर बेस्ड होगा। अब यहाँ पे बेटा इतना डिस्कस कर ली, देखो बेटा आप एग्जाम पैटर्न के लिए डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि एग्जाम पैटर्न जैसा पहले थी बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। कई कैंडिडेट ऐसे बोलते थे कि मतलब सीटेट की तरह पैटर्न आएगा, मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम है। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो बेटा जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में जो सीडीपी आती है बेटा, जो चाइल्ड पेडोलॉजी आती है, वो 30-30 मार्क्स की ही रहने वाली है तीनों लेवल्स में,
समझ गए। बट यहाँ पे एज लेवल है वो डिफरेंस है, यहाँ पे ओनली है छोटे बच्चों को लिए करना है, क्योंकि तीनों लेवल में 30-30 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। उसके बाद है हिंदी और इंग्लिश है, पीआरटी में भी 30 मार्क्स के आएंगे बेटा, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, लेकिन है हर लेवल में है थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है वो चेंज होता जाता है, कि यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश आएगी सीडीपी आएगी वो थोड़ी सी जो है इजी लेवल रहेगा, यहाँ पे मॉडरेट लेवल रहने वाला और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, इन तीनों में जो है थोड़ा हाई रहेगा, समझ गए। सेम ऐसा ही है जो है हमारे पास है मैथ और रीजनिंग और प्लस जीके, मैथ रीजनिंग प्लस जीके बेटा तीन जो सब्जेक्ट है ये 30 मार्क्स में आएगी, मतलब अगर हम कहें मैथ है वो 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग भी 10 मार्क्स की आएगी और हरियाणा जीके भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, तीनों को इंक्लूड करते हैं तब हमारे पास है बेटा 30 नंबर्स 30 क्वेश्चंस बनते हैं और 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के आते हैं तीनों ही लेवल्स में, चाहे पीआरटी हो, चाहे आपके पास पीजीटी हो या फिर चाहे आपके पास पीजीटी लेवल हो, तीनों में लेवल्स में सेम रहेगा 30-30 मार्क्स के। अब आते हैं बेटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो हमारे पास है पीजीटी, जो भी आपका लेवल जो भी है जिसने जिसमें आपने एमएससी पास आउट कर रखी है, जो भी आपकी स्पेसिफिक है उसी स्पेसिफिक में ही आपके 60 मार्क्स रहेंगे। अगर आपने जो एमएससी फिजिक्स में कर रखी है तो आपके वहां पे सिर्फ ओनली एंड ओनली फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आपने केमिस्ट्री मैथ या किसी भी अदर्स लेवल्स में अगर आपने मास्टर्स की जो आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपने वो कर रखे तो वहां पे उसी लेवल में आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आफ्टर दैट अब हम टीजीटी की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे जो टीजीटी है अगर आप साइंस से फिल कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास है 60 क्वेश्चन है कंप्लीटली साइंस के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब है हमारे पास है केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, बायो, जियोलॉजी, बॉटनी, मतलब ये सब है हमारे पास है, इन्हीं 60 मार्क्स में रहेंगे, 60 मार्क्स में 60 क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे है अब हम हाँ करते हैं बात पीआरटी में भी बेटा, पीआरटी में भी 60 क्वेश्चंस रहेंगे। अब आप बात करोगे मैम यहाँ पे जो हमारे पास है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास 2 सब्जेक्ट आएंगे पीआरटी में, देखो एक तो आएगा बेटा मैथ वो आएगा और सेकंड बेटा आएगी आपके पास है ईवीएस, मतलब 30-30 मार्क्स है ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेगा दोनों सब्जेक्ट्स का और टोटल मिला के आपके पास है 60 क्वेश्चंस बनेंगे और 60 मार्क्स के बनेंगे। ईच क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का होगा, टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो हमारे पास है कितने आएंगे 150 टोटल क्वेश्चन हमारे पास यही रहेंगे, ठीक है। और ये टोटल जो एग्जाम है जो पेपर है टोटल जो मार्क्स का जो पेपर होगा बेटा वो 150 मार्क्स का आपके पास है बेटा पेपर रहेगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, कोई भी नेगेटिव जो मार्किंग है यहाँ पे नहीं है, ये आपके पास है बेस्ट पॉइंट है, आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी गवाना मत, समझ के। ये था हमारे पास है एग्जाम पैटर्न की, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कैसे क्या आपके पास है क्वेश्चंस या शेड्यूल रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पीजीटी में थोड़ा सा हाई लेवल आता है क्योंकि आप पीजीटी में हैं, आप लेक्चरर बन जाते हो, वहां पे आपको 11th या प्लस 2 को टीच करना होता है, तो इसलिए वहां पे है उस कैटेगरी में उस एज लेवल के बच्चों को आपको टीच करना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके पास बेटा यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा टीजीटी है आपको, यहाँ पे है आपको 6th, 7th, 8th है इस लेवल के आपके बच्चों को, आपको जो बच्चों को टीच करना तो इसी लेवल को आप मतलब कैसे आप बच्चों को हैंडल कर पाते हो उसी लेवल के आपके पास यहाँ पे साइकोलॉजी रहेगी, चाइल्ड पेडोलॉजी रहेगी, समझ गए। तो सेम यहाँ पे है पीआरटी, बिल्कुल स्मॉल बच्चे हैं, बिल्कुल मतलब है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास, मतलब इस लेवल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसे आप हैंडल कर पाओगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी एज ग्रुप के बच्चों के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे साइकोलॉजी आएगी, हिंदी, इंग्लिश आएगी, मैथ, रीजनिंग, जीके यहाँ पे बिल्कुल ईजी रहेगा, समझ गए। ये सब कुछ था बेटा, आपको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से कर लो। अभी तक जिसने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है मतलब आप है जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप करने लग जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम डेट है वो पहले से ही काफी टाइम पहले से ही अनाउंस हो चुकी थी कि 2nd है एंड 3rd दिसंबर को एग्जाम होगा, सेम वही एग्जाम डेट आई है 2nd एंड 3rd दिसंबर की। एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम बिल्कुल भी गलती मत करना बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपके पास है सिर्फ एग्जाम जो करेक्शन डेट है वो सिर्फ 11 और 12 नवंबर ही मिली है और वहां पे जस्ट आपको कुछ करेक्शंस के
ठीक है, आप थोड़ा सा ही फॉर्म में करेक्शंस करने का आपको पास ऑप्शंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक कर दी तो आप ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए। तो अब हम करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिल, मतलब आपको है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीजीटी में। पीजीटी में कुछ नहीं है, आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो कैंडिडेट होने चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ आपकी बीएड भी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट मतलब पीजी होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी फिजिक्स हो सकती है, मैथ हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बॉटनी, जियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो, साथ के साथ आपके बीएड भी होनी चाहिए बेटा, बोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड आपने नहीं कर रखी है, तो आप एलिजिबल वहां पे नहीं होगे, ठीक है। दोनों में ही बेटा 50-50 मार्क्स का है, 50 मतलब परसेंटेज, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए दोनों ही एग्जाम्स में, समझ गए। अब यहाँ पे बेटा देखो, और पीजीटी में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ साथ है आपकी बीएड कंपलसरी होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा हम टीजीटी, टीजीटी का डिस्कस करते हैं। टीजीटी में क्या है बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जिस भी बच्चे ने ऑनर्स से कोई भी सब्जेक्ट का रखा, मतलब ऑनर्स करते हैं, तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करते हो, ठीक है, उसके साथ साथ ऑनर्स किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे ऑनर्स कर रखा तो सब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए, अगर आपने फिजिक्स में किया है तो मतलब फिजिक्स तो होने ही होने चाहिए। प्लस में मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक साइंस के सब्जेक्ट रखे, और यहाँ पे है बेटा आपको सोशल स्टडीज के रखे हैं। तो देखो इनमें अगर आपके पास साइंस में है, क्या आती है, बेसिकली केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, मैथ, बोटनी, जियोलॉजी, ये सब आते हैं। तो इनमें मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ है एनी टू सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, राइट। अब यहाँ पे हम सोशल स्टडीज की बात करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री है, जियोलॉजी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी है, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो बेटा ग्रेजुएशन है, टीजीटी में क्या आता है बेटा, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, आपने ग्रेजुएशन अच्छे से कर रखी हो विद 50% मार्क्स के साथ या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। प्लस में आपके पास डिप्लोमा हो, कोई भी है, डीएलडी है, बीएड है, ये सब कर रखा हो, या फिर ये हो, या फिर बीएड हो, बीएड स्पेसिफिक बीएड है वो भी चलेगी, अगर आपके पास वो नहीं है, जो आपके पास नॉर्मल बीएड है वो चलेगी, या फिर आपने कोई भी फोर ईयर है जो इंटीग्रेटेड कोर्स आता है बीएल ईडी वो कर रखा हो, या फिर कोई भी फोर ईयर का बीए या प्लस का बीई डी हो, तो मतलब बीएड हो, तो मतलब इनमें से ग्रेजुएशन के साथ 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 है, आप इनमें से कोई भी एक अगर आपने कर रखा है, कोई भी एनी फोरन में से अगर कोई भी आपके पास ए है, तो आप बहुत बेस्ट हो, मतलब आप एलिजिबल हो टीजीटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है, डोंट वरी। अब आते हैं यहाँ पे पीआरटी के लिए। पीआरटी में या तो आपके पास है 12th आपने पास कर रखी हो अच्छे से 50% मार्क्स के साथ साथ है, या फिर आपने पास कर रखी हो, ठीक है, कोई भी अगर आपने इसके साथ साथ है, कोई भी आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, वो आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं बेटा इनमें सबसे अच्छी बात वो क्या है, ये जो सभी के लिए अप्लाई होगा बेटा, जो हिंदी है आपके पास है 12th में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास है, हिंदी होनी चाहिए, मैट्रिक में विद हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए आपके पास है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बेटा क्या थी, एलिजिबिलिटी थी आपके पास फॉर्म फिलअप करने की, कौन कौन कैंडिडेट है, किसने क्या कर रखा, उसके साथ क्या क्या आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आई होप कि आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। देखो बेटा बहुत बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं, क्या मैम अभी तक हमने फॉर्म मतलब अभी तक हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो क्या हम अब भी कर सकते हो। बेटा आप कर सकते हो, अगर आपको अपने पे विश्वास है तो आप डेफिनेटली आप श्योर हो कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है, आप दूसरे को तलवार लेके बैठे हो कि वो करवाएगा, मतलब मैं उससे कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, समझ गए। बिल्कुल कमर कस लो अच्छे से, अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो बिल्कुल अब दिन रात ये कर दो। पेपर आपके पास जस्ट एक मंथ भी नहीं रहा, अब बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, आप कर सकते हो, अगर आपने ठानी है तो आप कर सकते हो, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, समझ गए। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आपने ठाना है तो,
सीडीपी बिल्कुल इजी आएगी, आप 29 मतलब 28 मार्क्स बहुत आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो 30 में से, बिल्कुल इजी आती है, कुछ नहीं आती, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं बस सीडीपी में। रही हिंदी और इंग्लिश के बात, हिंदी और इंग्लिश आप अच्छे से करो बेटा, हिंदी और इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है। अब आती है मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके। जिसने अगर हरियाणा जीके नहीं पढ़ी है दैट्स गुड, अगर नहीं पढ़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आप उनको सभी को उठाओ और लग जाओ, आप प्रीवियस ईयर को सारों को छान डालो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करो। अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कर लेते हो ना, सीडीपी आते हैं, हिंदी इंग्लिश आते हैं, मैथ रीजनिंग और ये क्या है हमारे पास है हरियाणा जीके, इनमें से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लेते हो देन आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे, ठीक है। आती है अब आती है बातें, बात आती है बेटा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हम कैसे प्रिपेयर करें तो वो हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा सब्जेक्ट है, अगर आपने किया है अच्छा है, नहीं किया है तो आपको जितना भी आता ना नॉर्मल वो करो, ठीक है। आप ये मत करो कि अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बैठेंगे, नहीं, आपको जितना आता है आप उनके फॉर्मूलो को रिवाइज करो, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ है आप एक दो फॉर्मूलो को लो और उसके क्वेश्चन से लगाओ, समझ गए, ऐसा करना आपको। ऐसे ही है टीजीटी है, प्रीवियस ईयर के उठाओ, पीजीटी के हो प्रीवियस ईयर के उठाओ, सारे के सारे क्वेश्चंस को कर डालो, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे बहुत अच्छे से आपको स्कोर करना है, किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो हम मैं डिस्कस करूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फटाफट जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है या करने वाले हो आप अभी करने लग जाओ, क्योंकि आप लास्ट के टाइम पे आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि हम लास्ट में फिल करेंगे, लास्ट में बेटा सिस्टम हैंग हो जाता है, मतलब नहीं चलता है, बहुत स्लो से चलता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, समझ गए। तो आप जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप करना एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा।